विधान परिषद में विपक्ष के नेता माननीय सानी जी ने विस्तार से बताया, विजय जी ने वहां की बैठक में बताया। आज हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश बाबू का कैसा सर्वे करवाया आपकी सरकार ने। टीवी चैनलों पर बार बार आ रहा है कि बड़ी संख्या में अति पिछड़ों के बड़े बड़े मोहल्लों को छोड़ दिया गया। पटना के हम सांसद हैं, विधायक गण हैं, बहुत शिकायत हम लोग के पास आ रही है और कई टेलीविजन चैनल से तो बकायदे भेजा अति पिछड़ों के परिवार में, बाकी में कहा कि नहीं कुछ बताया गया, कोई नहीं आया। तो ये आंकड़ा कैसे जुटाया गया है, ये सवाल तो हम करेंगे और ये सवाल उठेंगे और ये सवाल उठने चाहिए। क्या इस पूरे सर्वे की कवायद के पीछे एक बात की कोशिश थी क्या कि अति पिछड़ों की संख्या को खंडित किया जाए, कम किया जाए और जो गैर लालू जी नीतीश कुमार की विरोधी जातियां हैं उनको कुछ सीमित किया जाए, ठीक से फील्ड सर्वे नहीं कर करके। और ये बात मैं कुछ प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। देखिए, बिहार जाति गणना, बिहार कास्ट सर्वे प्रशिक्षण कार्य हेतु, ये देखिए आप, ठीक है, प्रशिक्षण कार्य हेतु ये फॉर्मेट दिया गया सबों को, देख रहे हैं आप, देख लीजिए आप। उसके नीचे का कॉलम मैं पढ़ता हूं, परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर स्ट्रोक अंगूठे का निशान दिनांक सहित, मैं यहां पढ़ रहा हूं, परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर अंगूठे का निशान दिनांक सहित। अब मैं क्या बोलूं, मैं पटना का सांसद हूं, लोकसभा का, भारत सरकार का मंत्री रहा हूं, सर्वे में मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, न कोई मिलने की बात की गई, दस्तखत की बात तो छोड़ दीजिए। हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की, कहा कोई आया था गेट के, कोई बैठा था, उससे पूछ के कि सांसद जी तीन भाई हैं ना जी, बस चला गया। अब आप पटना के लोकसभा सांसद जो नॉन लीडर है पटना में, केंद्र सरकार का मंत्री रहा है, उसका भी हस्ताक्षर लेने की आप आवश्यकता नहीं समझते हैं तो बाकी लोगों के साथ क्या किया गया होगा, ये सवाल हम उठाना चाहते हैं।